वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कांतिस्सिता मृषदनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसिता मसितांगशोभां वृंदावनेऽपि कृतया मुनगांगसंगम श्रीराधा मुकुंदयुगलं तदहं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री रमण विहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण
वात्सल्य मूर्ति पूज्य महाराज श्री वंदनीय संत वृंद और प्रिय कार्ष्णी वृंद, भक्ति ज्ञान महोत्सव में सभी संत महानुभाव कृपा वर्षा कर रहे हैं। वाणी प्रसाद प्रदान कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में जहां भगवान राम श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में कामतगिरी पर निवास करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सानुज सी समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। अनुज लक्ष्मण जी और सीता जी समेत भगवान राम चित्रकूट गिरी में चित्रकूट में कामत गिरी पर पर्णकुटी में निवास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भक्ति और वैराग्य के साथ ज्ञान वहां पर निवास कर रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम को ज्ञान स्वरूप, श्री सीता जी को भक्ति स्वरूप और लखन लाल को वैराग्य का रूप बताया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। श्रीमद् भागवत के महात्म्य की जब हम कथा सुनते हैं पद्म पुराण में,
वहां पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जिस प्रकार लिखा, यहां भगवान वेद व्यास जी ने एक सुंदर रूपक बनाया है, जहां भक्ति माता है, ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र है। और श्री वृंदावन में वहां चित्रकूट है, यहां वृंदावन है, वहां मंदाकिनी है, यहां यमुना है। लेकिन यहां भक्ति को माता बताया है, ज्ञान वैराग्य को उसकी संतान। और दर्शन ये कराया है कि ज्ञान वैराग्य रूपी ये पुत्र मूर्छित है, यानी सोए पड़े, जागृत अवस्था में नहीं। और उन दोनों की ये स्थिति देख करके माता भक्ति बड़ी दुखी है। बहुत सारी दासियां सेवा में हैं, लेकिन ये बड़ी दुखी है। दस दिक्षु निरीक्षति, वो दसों दिशाओं में देख रही है कोई सहायता करने वाला मिल जाए। तब वहां देवर्षि नारद पधारते हैं, भक्ति की दृष्टि जिस पर पड़ती है वो भक्ति का आचार्य ही होता है। एक स्नेह संबंध, एक नाता, एक कनेक्शन जहां हम फील करते हैं। कभी कभी हम पहली बार किसी से मिलते हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्म का नाता, एक कनेक्शन फील होता है। तो दृष्टि पड़ी भक्ति महारानी की, और देवर्षि नारद को देखकर, और क्या विश्वास है कि यही मेरी समस्या को दूर करेंगे। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। ये पढ़ता हूं, पाठ करता हूं स्वामी जी, तो इतना आनंद आता है कि लगता है कि भक्ति तो नारद को पहचानती है। तब कहती है, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, आपके जैसे महापुरुषों का दर्शन भी मनुष्यों के पाप को मिटाने में समर्थ। ये कौन महानुभाव है, क्या इनका सामर्थ्य है, क्या इनकी विशेषता है, भक्ति देवी को पता, भक्ति जानती है नारद जी, नारद नहीं जानते। पूछते हैं, बाला तुम कौन हो, ये दोनों पुत्र कौन है, ये दोनों जो बालक है वो कौन है, और तुम क्यों रो रही हो। थोड़ी विचार करने वाली बात है कि भक्ति तो नारद जी को जानती है, पहचानती है, और नारद जी भक्ति को नहीं जानते। पूछ रहे हैं कौन हुआ। वही अच्छी बात है, भक्ति अपने को जाने, हम भक्ति क्या जाने और भक्ति को क्या जाने। कभी कभी क्या होता है कि भक्ति को जान लेने के बाद भी, भक्ति का ज्ञान होने जाने के बाद भी, कभी कभी वो दीनता नहीं रहती, गड़बड़ हो जाता है। हम बड़े भक्त हैं, हम उच्च कोटि के भक्त हैं, भक्ति का ज्ञान होने से कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। नारद जी को भक्ति का ज्ञान नहीं, अच्छा ही है कि हमें अपनी अच्छाई का ज्ञान न हो। अच्छाई भले हो, हमारे में अच्छाई भले हो, लेकिन हमें अपनी अच्छाई का ज्ञान न हो। क्योंकि कहते हैं अच्छाई का अभिमान सबसे बड़ी बुराई है।
नारद जी को पता नहीं कौन हो तुम देवी। ये दोनों क्योंकि कहते हैं अच्छाई का अभिमान सबसे बड़ी बुराई। नारद जी को पता नहीं कौन हो तुम देवी। ये दोनों बालक कौन है, तुम क्यों रो रही हो। और स्वयं भक्ति देवी अपना परिचय करा रही है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मैं तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगेन झरझरऊ। अहम भक्ति रीति ख्याता, भक्त परिचय दे, इससे अच्छा है भक्ति ही परिचय दे। हम भगवान के बड़े भक्त हैं ये कहने से उसकी भक्ति को देख करके उसकी भक्ति ही परिचय दे। उसका भाव, भगवान की कथा कहते समय या भगवान का गुणानुवाद श्रवण करते समय जो गिरा गदगद हो जाती है या शरीर में रोमांच हो आता है या नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगती है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, ये वाली स्थिति जहां हो जाती है तो परिचय थोड़ी देना पड़ता है कि हम भक्त हैं। वो तो दर्शन करने वाले खुद ही समझ जाते हैं क्योंकि उसकी भक्ति ने ही परिचय दिया। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा काम आदि मद दंभन जाके तात निरंतर बस मैं ताके। अहम भक्त पराधीनः य स्वतंत्र इव द्विज साधु विरग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रियः। जो भगवान ने भागवत में कहा, रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं तात निरंतर बस मैं ताके। तो भक्ति को परिचय देने दो, भक्त को, भक्त तो नमस्कार करके गुंगा बैठा रहे वही ठीक है। देवर्षि नारद की संपूर्ण दृष्टि ये भक्ति देवी की जो पीड़ा है, जो समस्या है, उस पर आश्वासन देते हैं मत करो चिंता। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण चरणारविंद का स्मरण करो देवी, दुख तुम्हारा मिट जाएगा। भक्ति देवी ने जब परिचय कराया कि ये दोनों मेरे पुत्र है, ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगे न जर्जरऊ, पूरी अपनी कथा सुनाया और देवर्षि नारद ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को जागृत करूंगा और न केवल जागृत करूंगा, तुम्हारे दोनों पुत्रों ज्ञान वैराग्य समेत घर घर में जन जन में तुम्हारी स्थापना करूंगा। और भक्त जो होता है वो तो कमिटमेंट एक बार कर ले तो फिर वो अपने वचन की उनको कीमत होती है। यदि मैंने इतना नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं। और फिर नारद जी अपना प्रयास प्रारंभ करते हैं, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। बार बार प्रयास किया, थोड़े से जागृत हुए भी लेकिन फिर जमाई लेते हुए ज्ञान वैराग्य दोनों सो गए। फिर नारद जी ने बहुत प्रयास किया, नहीं जागे।
तब देवर्षि नारद ने अनेकानेक संतों से पूछा, ये मुझे सब पता है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, ये वाला अहंकार भक्त में नहीं होता। अनेकानेक संतों से, विद्वानों से पूछा, क्या करूं कि ये उद्यम सफल हो जाए। और फिर हम कथा सुनते हैं महात्म्य में कि जब बद्रिकाश्रम में गए और सनत कुमारों अपने अग्रजों का, उन परमहंस महापुरुषों का दर्शन किया, तो अगेन बड़े तो यही कहते हैं, मां चिंताम गुरुदेव ऋषे, उपाय सुख साध्योत्र, दुराराध्य नहीं है, सुख साध्य सरल है उपाय। आकाशवाणी ने सत्कर्म करने के लिए कहा है तो कर्म सूचक तो अनेक यज्ञ है, लेकिन सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई ही। और फिर देवर्षि नारद सनत कुमारों की ही सहायता लेकर उनकी शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करके, ये दैन्य है भक्त का, आयोजन करते हैं सनत कुमारों की सलाह सूचना के अनुसार। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, यहां पर वृंदावन है, भक्ति माता है, ज्ञान वैराग्य पुत्र है। रामचरितमानस में वो भी वन है, चित्रकूट है, कामतगिरी, व्रज में भी गिरी है, यहां चित्रकूट में भी कामतगिरी है, व्रज की जब हम कथा सुनते हैं तो नंदगांव भी पर्वत पर, बरसाना में राधा रानी का मंदिर भी पर्वत पर, और तीसरे श्री गोवर्धन यही है। तो इस पर्वत नंदगांव वाले कृष्ण कन्हैया और इस पर्वत बरसाने वाला, वहां से श्री राधा रानी, भक्ति ज्ञान महोत्सव है, ठाकुर जी ज्ञान स्वरूप है और श्री राधा रानी वो भक्ति स्वरूप। वैसे ज्ञान और भक्ति श्री कृष्ण और श्री स्वामिनी जी दिखने में दो है, कहने में दो है, वास्तव में एक ही है। सीताराम जी की वंदना में भी गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदव सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। विद्वानों ने भगवान शिव और मां पार्वती की वंदना में भी यही कहा, वागरथा विव संप्रक्त वागरथ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। और पार्वती प परमेश्वरौ दोनों प्रकार से होगा। तो कहने सुनने में ये दो है, वास्तव में एक ही है। जिस प्रकार जल और जल में उठने वाली तरंगें कहने में दो है, वास्तव में ये एक ही स्वरूप है। तो श्री कृष्ण श्याम सुंदर और श्री राधा रानी वास्तव में वो एक ही तत्व है, दो रूपों में प्रकट। क्योंकि ये जो दो रूप है वो रास के लिए, बाकी रस स्वरूप तो परमात्मा है ही है, रसो वही सहा, लेकिन हमें उस रस का अनुभव कराने हेतु वे इन दो रूपों में प्रकट होकर के जो दिव्य लीला कर रहे हैं। रमण बिहारी जी की ये कृपा है कि इन दो रूपों में प्रकट होकर के, नहीं तो उस रस का अनुभव नहीं हो सकता। पूज्य स्वामी जी ने कितनी सुंदर कथा सुनाया,
दिखने में दो है, कहने में दो है, सुनने में दो है, वास्तव में वो एक ही है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं, पूज्य स्वामी जी ने भगवान आद्य शंकराचार्य के अध्यास भाष्य का स्मरण कराया, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानं अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। अद्वयम् और ये युगल सरकार है, श्रीराधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। ज्ञान भक्ति महोत्सव है, भक्ति ज्ञान महोत्सव है, भक्ति पहले राधा कृष्ण, भक्ति ज्ञान महोत्सव। कहने सुनने में भक्ति और ज्ञान, ये जैसे दो अलग पदार्थ है ऐसा लगता है, लेकिन गोस्वामी खुद तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहिं भव संभव खेदा, राधा भव बाधा हरो, उभय हरहिं भव संभव खेदा, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। ज्ञान का संबंध हमारे यहां शास्त्रों में अग्नि से और भक्ति का संबंध जल से, ज्ञानाग्नि दग्धकर्माणि तमाहु पंडितं बुधाः, ज्ञान अग्नि। और भक्ति की बात आवे तो राम भक्ति जल मम मन मीना, वहां जल की बात आती। एक दृष्टि से देखा जाए तो कार्य कारण का संबंध है अग्नि और जल में, आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथ्वी। एक दृष्टि से देखा जाए तो कार्य कारण का संबंध है अग्नि और जल में, आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथ्वी। तो अग्नेरापः, लेकिन यहां कार्य कारण का संबंध कैसे मानेंगे? युगल सरकार जो है भगवान श्री कृष्ण की ही अल्लादिनी शक्ति, वही श्री राधिका है, और बिना उनकी कृपा के तो ठाकुर जी हुए ही हैं इन दो रूपों में, इसलिए कि अपने रस स्वरूप का अनुभव जीवों को कराना चाहते हैं कृपा पूर्वक, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए दो होकर के और फिर दिव्य रमण दिव्य रास, और उस लीला का श्रवण करते हैं और श्रवण करते करते दर्शन हो जाए। राधा रानी की कृपा से ही एक बार नेत्र मिल जाए और एक बार दर्शन करने के बाद फिर दूसरा वाला ठाकुर जी कहें मुझसे भी मांग लो तो बोले वो हर लो। अब ये देख लिया, अब और क्या देखना है? और कुछ नहीं देखना चाहते। तो कहने सुनने में दो है, युगल सरकार है, श्री रमण विहारी जी इस रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं, वास्तव में वे एक ही है, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। ज्ञान की परिपक्व अवस्था का नाम ही भक्ति है, और भक्ति की पराकाष्ठा को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की परिपक्व अवस्था में श्री उद्धव जी में भक्ति का दर्शन हुआ, और गोपांगनाओं में भक्ति की पराकाष्ठा ऐसी दिखती है कि उद्धव जी गए थे ज्ञानोपदेश करने, उस अद्वैत की बात करने, लेकिन जब गोपियों की भूमिका गोपियों की स्थिति देखी तो स्वयं उद्धव जी ने भी प्रणाम कर लिया, उनको गुरु माना। वंदे नंद व्रजस्त्रीणां पादरेणुम अवेक्षणशः यासाम हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्ति ज्ञान वैराग्य जनम राजत परन कुटीर, जो भी अनित्य है ज्ञान और भक्ति के चलते, उस अनित्य से वैराग्य तो स्वाभाविक रूप से
हो ही जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता, एक होता है नियम। क्या है स्वामी जी? नियम, नियम इत्र है, है ना? ग्यारह श्रृंगार नियम इत्र है, नियम इत्र। फूल दिखता है, फूल की सुगंध नहीं दिखती, लेकिन फूल दिखे, फूल के सौंदर्य का आनंद आंख ले, बेचारी नासिका भूखी रह जाए। तो नहीं दिखने वाली सुगंध, वो नासिका उसका आनंद फिर लेती है। लेकिन ज्ञान और भक्ति, भक्ति की पराकाष्ठा पर ज्ञान गोपियों में, और ज्ञान की परिपक्व, इसलिए तो भगवान ने भेजा उद्धव जी को, गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रोर नव प्रीति मावह गोपी नाम मद वियोगाधि बत संदेशैर विमोचया। उद्धव जाओ, तुम मेरे माँ बाप के पास जाओ, और गोपियां जो मेरे वियोग उद्धि में डूब रही है, उसको मेरे संदेश संदेश दे करके मेरा उसकी सहायता करो, उसको मुक्त करो इस दुख से, इस पीड़ा से। उद्धव जैसे बृहस्पति के ज्ञानी शिष्य, और इसलिए भगवान ने भेजा कि भाई खिचड़ी तब पकेगी जब आग के ऊपर रहेगी, और गोपियों में जो आग है विरह की, वहां अग्नि है, विरह की अग्नि। देखो जल और अग्नि का संबंध, भक्ति है तो फिर भगवान के विरहजन्य ताप की भी वहां अनुभूति होती है, और उसी से तो गोपी गीत प्रकट हुआ उस स्थिति से। और जब उद्धव जी गए, और उद्धव जी का ज्ञान उस वाली अग्नि में, गोपियों के भीतर जो विरहाग्नि थी उसके संपर्क में आया, तो ज्ञान पक गया, परिपक्व हो गया। और उद्धव जी जब लौटे भगवान के पास मथुरा, तो आंख में आंसू लेकर के लौटे, ज्ञान पक गया, और ज्ञान की परिपक्व अवस्था उद्धव भक्त बन गए। इसलिए भगवान की ये जो तीन सखा है भागवत में, एक श्री उद्धव जी, वो ज्ञानी भक्त है, ऐसे सखा। दूसरे श्री सुदामदेव, वो भक्त सखा, दीनता है सुदामदेव में, भगवान में भरोसा, भजन करते रहते। और तीसरे श्री अर्जुन जी, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तमम, लेकिन वो कर्म योगी, ऐसे सखा है भाई तू ये कर्म कर, युद्ध रूप कर्म तेरे लिए धर्म है, तेरे लिए कल्याणकारक, तू छोड़ के भागने की बात मत कर, तू तो युद्धस्व युद्ध कर। तो श्री उद्धव जी वो ज्ञानी भक्त है, और ज्ञान की परिपक्व अवस्था का नाम ही भक्ति है, भक्ति की पराकाष्ठा का नाम ही ज्ञान है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। हाँ, एक बार श्री राधा रानी बड़ी उदास हो गई, बड़ी चिंतित हो गई, और सखियों ने पूछा कि राधे आप क्यों इतनी उदास, क्यों इतनी चिंतित, क्या बात है? बोले सखी, कुछ ज्यादा ही चिंतन हो रहा है श्री कृष्ण का, विस्मृति ही नहीं हो रही है। और प्रेम उसको कहते हैं जिसमें विस्मृति नहीं हो, याद करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, भूलने की कोशिश करना पड़ता है, और वो कोशिश निष्फल रहती है, स्मरण सदैव बना रहता है। बोले इतना ज्यादा चिंतन हो रहा है कि चिंतन करते करते, जैसा मैंने सुना है जिसका चिंतन करते हो उस रूप हो जाते हो, और मैं कृष्ण चिंतन करते करते कृष्ण रूप हो गई। तो बोले तो क्या,
जैसे रासलीला में भी कृष्णो हम पश्यत गतिम ललिता मिति तन्मनाह है, बोले तो क्या मतलब, अरे दो कृष्ण हो जाएंगे सखी, सोच गड़बड़ हो जाएगा, ये जुगल जोड़ी है वो तो खंडित हो जाएगी, दो तो रहेंगे लेकिन दो कृष्ण। तो सखियों ने कहा चिंता न करो श्री राधे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य, हम कहने वाले कन्हैया लाल भी बहुत तुम्हारा चिंतन कर रहे हैं, तुम यदि कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण बन गई तो वो राधा का चिंतन करते करते राधा बन जाएंगे और युगल जोड़ी बनी रहेगी। तो ये द्वैत में अद्वैत है और अद्वैत में द्वैत है, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। लेकिन ये जो त्रिदिवसीय हमें ये महोत्सव प्राप्त हुआ है वो भक्ति और ज्ञान राधा रानी और कन्हैया लाल का ये रासलीला ही है, और इन सब महानुभावों इन सब संत महापुरुषों के द्वारा ऐसी कृपा हो रही है कि उस रसस्वरूप भगवान का हमें कुछ झलक तो मिल जाए, वही झलक दिख जा दिखला जा, दैत दृश्यताम दिक्षु तावका हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से, साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के, रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जैसे पहली पंक्ति तो स्वगत कही ठाकुर है हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, एक ही धर्म साधु सेवा धर्म हमारा और कामन दुनियादारी से, और यदि दुनिया कुछ बोले तो थोड़ा उस और मुंह करके बोल दिया, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, फिर से सिक्का लगा दिया हम हैं रमण बिहारी के, और जिनके हम हैं बस वही इन दो रूपों में प्रकट हो करके रसस्वरूप अपना अनुभव कराने की कृपा वर्षा कर रहे हैं। किस रूप में? इस रूप में, क्योंकि दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम, इस रूप में वही परमात्मा कृपा वर्षा कर रहे हैं। संध्या बेला हो चुकी है, पूज्य महाराज श्री को, संत वृंद को और कार्ष्णी वृंद को वंदन के साथ प्रणाम के साथ, श्री रमण विहारी लाल की जय, श्री अमने महाराणी की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, आज के आनंद की भक्ति ज्ञान महोत्सव की जय, जय श्री राधे।